हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा। आई एम योर मैथ्स मेंटर इजहारुद्दीन। और आज हम पॉलिनोमियल का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लगाएंगे क्लास टेंथ का, और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखिए, ये क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन क्या है कि ऑब्टेन ऑल द जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, इसके सभी जीरोज़ बताना है। अब नंबर ऑफ जीरोज़ किस पर डिपेंड करते हैं? डिग्री पर। इसकी डिग्री कितनी है? फोर। मतलब आपको फोर जीरोज़ इसके क्या करना है? बताना है। लेकिन उसमें से इफ़ टू ऑफ इट्स जीरोज़ आर, उसमें से दो जीरोज़ दे रखे हैं तो बाकी के दो बताना है तुम्हें। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, स्टार्ट कराता हूँ मैं। तो देखिए, आपको दो जीरोज़ दे रखे हैं और दो बताना है। तो दो जीरोज़ किसके होते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है? इन दो जीरो से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से जब आप बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, तब उससे एक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा, फिर उसको हम सॉल्व कर लेंगे, फिर उससे क्या आ जाएंगे? दो जीरोज़ आ जाएंगे। क्लियर? फिर से समझ लीजिए, ये दो जीरो से आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाएंगे। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ही दो जीरोज़ आते हैं। तो दो जीरोज़ दे रखे हैं तो हम उल्टा करेंगे इसको, मतलब उल्टा सॉल्व करेंगे और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाएंगे। वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसका फैक्टर होगा, होगा नहीं होगा? मतलब इससे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा वो इसको पूरा पूरा क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा। डिवाइड करने के बाद जो कोशेंट होगा इसका, वो भी ये क्या आएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा। और उसको सॉल्व करने से बाकी के दो जीरोज़ क्या कर सकते हैं? आप ऑब्टेन कर सकते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। हाँ, ये इसके ज़ीरोज़ हैं। ज़ीरोज़ है इसका मतलब x की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है? x की। तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 5/3 और x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 5/3। तो सबसे पहला काम क्या है कि हमें यहाँ से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है। तो देखिए बिल्कुल उल्टा प्रोसेस होगा। कैसे? पहले आप इसको इधर लेकर आइए, x माइनस अंडर रूट 5/3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस अंडर रूट 5/3 इज इक्वल टू 0। क्लियर? दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस अंडर रूट 5/3 इंटू एक्स प्लस अंडर रूट 5/3 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कैसे होगा? एक बार ऐड किया है, एक बार सबट्रैक्ट किया है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्लियर दिख रहा है यानी? इधर करेंगे से। तो देखिए x का स्क्वायर कितना हो गया? x स्क्वायर। और इसका स्क्वायर कितना हो गया? माइनस 5/3 इज इक्वल टू 0। 3 एलसीएम ले लो तो कितना हो गया? 3x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 3 उधर जाके 0 हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0। देखिए उल्टा समझिए तभी ज़्यादा समझ में आएगा। अगर ये आपके पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसका जीरोज़ लाने के लिए 0 के बराबर रखेंगे, इसके फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर करते हुए ये आ गए दोनों। क्लियर? अब जब भी दो फैक्टर का प्रोडक्ट अगर 0 के बराबर है तो इधर दिस वन 0, इधर दिस वन 0, तो यहाँ से ये दोनों जीरोज़ आ गए। तो मैंने उल्टा प्रोसेस कर दिया है। क्या? जैसे आप इधर से इधर चले हैं, अब आप उल्टा चलिए इधर से इधर, इसको इधर लाइए, इसको इधर लाइए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, अरेंज करिए। अरेंज करने के बाद ये आ गया। तो हम क्या लिखेंगे? सो देयर फोर 3x स्क्वायर माइनस 5 इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ 3x स्क्वायर, सॉरी, ऑफ fx, ऑफ fx। ठीक है, ये fx का क्या हो गया? फैक्टर हो गया। तो बाकी के फैक्टर कैसे निकालेंगे? तो फॉर अदर फैक्टर और ज़ीरोज, अदर फैक्टर और ज़ीरोज डिवाइड fx बाई 3x स्क्वायर माइनस 5। fx को किससे डिवाइड करेंगे? 3x स्क्वायर माइनस 5 से। ठीक है, चलिए 3x स्क्वायर माइनस 5 से हम fx को डिवाइड करेंगे। कौन है fx? 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। ठीक है, चलिए नोट करिए, इंक डाल लेता हूँ मैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। देखिए आपके पास बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के चार जीरोज़ होते हैं, चार में से दो आपको दे रखे हैं, बाकी के दो निकालना है। तो दो जो दे रखे हैं वो क्वाड्रेटिक से आए होंगे, तो वो क्वाड्रेटिक मैंने बना लिया। अब बाकी के जो दो निकालना है वो भी क्वाड्रेटिक होंगे। तो चार को जब आप दो से डिवाइड करेंगे तो दो ही तो आएगा, क्वाड्रेटिक ही तो आएगा। मतलब दो वाली डिग्री से चार वाली डिग्री को हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, तो उससे भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा, उसको सॉल्व कर लेंगे, जीरोज आ जाएंगे। क्लियर? चलिए, वेरी गुड। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ 3 है, स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर लगा दीजिए। तो कितना हो गया? 3x की पावर 4
-5x² जहाँ पर सेम डिग्री होती है उसी के नीचे लिखते हैं टर्म को, तो ये माइनस और प्लस कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 6x³ और प्लस का कितना हो गया 3x² -10x। यहाँ 6 है यहाँ 3 है और प्लस है, तो प्लस और 2 ले आएंगे, 2 3 जा कितना हो गया 6 और x ले लेंगे तो कितना हो गया 6x³ है ना, और -5 2 जा 10x, तो ये हो गया माइनस प्लस कैंसिल हो गया, कितना बचा 3x² -5। अब ये तो सेम आ रहा है तो प्लस 1 लगा लीजिए, प्लस 1 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 3x² -5, माइनस प्लस कैंसिल हो गया, रिमाइंडर 0। तो मैंने बोला था कि ये इसका एक फैक्टर है, फैक्टर तभी होता है जब रिमाइंडर क्या आता है 0 आता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपके पास एफ एक्स के दो फैक्टर आ गए, एक कौन है 3x² -5 और दूसरा कौन है, ये देखो है ना, यूक्लिड डिवीजन से डिवीजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, तो कोशेंट कौन है x² प्लस 2x प्लस 1, रिमाइंडर 0 है तो इसे हटा दीजिए, क्लियर। अब देखें इसे आपने बाई क्वाड्रेटिक के क्वाड्रेटिक के दो फैक्टर निकाल लिए, तो इसको 0 रखोगे तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये जीरोज पहले ही आ चुके हैं, तो इसको 0 रखने से बाकी के दो जीरोज आ जाएंगे, तो क्या लिखेंगे फॉर अदर टू जीरोज x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है ना। देखिए पहली बात तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है और आप फैक्टर करना चाहे तो 1 1 जा 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो लिख लेंगे x² प्लस 1x प्लस 1x प्लस 1 1 1 जा 1 1 1 जा 1, 1 के ऐसे फैक्टर जिसका सम 2 आए तो 1 ओवर है ना, तो 1x और 1x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन आ जाएगा तो एक्स प्लस 1, 1 कॉमन आएगा तो एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या पता चला कि एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू -1 एक्स इज इक्वल टू -1, तो यहाँ से बाकी के दो जीरोस -1 -1 आ गए और दो क्या दे रखे थे 5/3 अंडर रूट -5/√3, क्लियर। तो दीज आर ऑल दी जीरोस। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें जिससे कि आपको और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस मिलते रहें। बने रहें एपीटी अड्डा के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।